हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे कल की जो विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल या दुर्बल विद्युत अपघट्य, उनकी चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो तनुता के प्रभाव में अपन ने देखा कि एक डिबाई हकल ऑनसेग इक्वेशन आई थी, अपने समीकरण थी, जो केवल और केवल किस पर लागू हो रही थी? प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। क्यों? अपने ग्राफ भी बनाया था पिछली क्लास की अगर बात करें तो, ये अपना ग्राफ भी था, ठीक है, डिबाई हकल ऑनसेग इक्वेशन के लिए। इसमें अपन क्या कर रहे थे कि भाई मोलर चालकता थी, उसकी सांद्रता के साथ ग्राफ खींचा अपन ने, और जो पीछे से अगर एक्सपेंड किया जाए ग्राफ को, ठीक है, इंटरसेप्ट तक अगर मिला दें अपन, अंतखंड तक, तो अपना क्या प्राप्त हो रहा था? अपने को अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस इक्वेशन द्वारा अपन प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या कर निकाल सकते थे? मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। परंतु अपन ने देखा कि ये जो समीकरण थी वो केवल और केवल कहाँ, किस पर लागू हो रही थी? प्रबल विद्युत अपघट्यों पर। लेकिन अगर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए जब अपन ने ग्राफ खींचा तो पता चला कि इस प्रकार का ग्राफ आ रहा है कि इसको भले कितना भी एक्सटेंड किया जाए, ग्राफ को भले ऊपर तक कितना ही बढ़ा दिया जाए, वो कभी भी इस वाली लाइन पे जो है वो कभी भी टच नहीं करेगा, अगर भिड़ेगा नहीं तो अपन अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके द्वारा तो नहीं ज्ञात कर सकते थे भाई, डीवाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो इसका जब तोड़ निकालने के लिए बारी आई तो अपने एक साइंटिस्ट साहब आए, कॉलराउस, नाम बड़ा अजीब है थोड़ा सा, क्या था नाम? कॉलराउस। तो उन्होंने अपना नियम दिया, उन्होंने कहा कि अनंत तनुता चालकता मैं बताऊंगा, ठीक है, और ऐसा तोड़ बताऊंगा कि वो प्रबल के लिए भी लागू हो रहा है और दुर्बल के लिए भी लागू हो रहा है। ठीक है, तो फिर अपने आए कॉलराउस नियम, ठीक है, कॉलराउस ने अपना एक नियम दिया जिसे कॉलराउस नियम कहा। इन्होंने कहा कि भाई ये जो है नियम वो प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, और डिबाई हकल ओनली केवल केवल और केवल प्रबल के लिए। तो ये मत कह देना कि यहाँ कॉलराउस केवल दुर्बल के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि वो प्रबल और ये दुर्बल, नहीं, ये दोनों पे लागू होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो विलयन होगा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य, उनको उसको अगर अनंत तनु किया जाए, उसकी तनुता क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, अनंत तक बढ़ा दी जाए, तब जाके अपन क्या कर सकते हैं, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसने स्टेटमेंट दिया कि भाई अनंत तनुता पर क्या होगा, सभी विद्युत अपघट्य 100% आयनित हो जाएंगे, भाई अपने आयनों में क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे, तब जो मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता जो होगी अनंत तनुता पर, मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता जो भी होगी, वो उनके जो आयन है, जैसे कि भाई कोई भी विद्युत अपघट्य है, जैसे NaCl ले लिया अपन ने, तो NaCl में कौन कौन आयन है, Na+ और Cl-, तो किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर तथा तुल्यांक चालकता, उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के सीमांत चालकता के योग के बराबर होती है। भाई धनायन की कुछ चालकता दी गई होगी, ठीक है, यहाँ अपन उसको निकालेंगे, या फिर ऋणायन की जो चालकता दी गई होगी उनका अगर योग किया जाए तो अपने क्या प्राप्त हो जाएगा, किसी भी विद्युत अपघट्य की मोलर या तुल्यांक चालकता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तुल्यांक चालकता की, ठीक है, क्योंकि ये जो नियम था वो पहले तुल्यांक चालकता पे दिया गया था, ठीक है, उसके बाद मोलर चालकता के साथ अपने पास रिलेशन बताए, भाई मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का रिलेशन अपने को पता है, तो अपन आराम से क्या कर सकते हैं कि भाई तुल्यांक चालकता निकाली और उसको उससे क्या कर दिया, मोलर चालकता में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई मोलर किसी भी की तुल्यांक चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य की बराबर होगी धनायन की प्लस ऋणायन की, उसमें उपस्थित उसके आयन है धनायन और ऋणायन, तो भाई उनकी मोलर चालक उनकी तुल्यांक चालकता प्लस भाई धनायन की तुल्यांक चालकता प्लस ऋणायन की तुल्यांक चालकता। ठीक है, अब ये जो अलग अलग जो है इनको अपन सीमांत चालकता बोलते हैं, ठीक है भाई, लिमिटेड, मतलब जैसे कि आंशिक दाब जैसे बोल रहे थे ना अपन, भाई क्या उसमें उसमें आयन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, किसी भी कंटेनर में, लेकिन अगर एक गैस की बात करें तो उसका क्या क्या गिनते हैं अपन, आंशिक दाब। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर धनायन और ऋणायन की बात करें तो उनकी सीमांत चालकता की अपन, भाई इनको सीमांत चालकता के रूप में देखेंगे अपन। ठीक है, तो मोलर चालकता बराबर तुल्यांक चालकता इनटू एन फैक्टर, ठीक है, अपन ने रिलेशन निकाला ही है कि मोलर चालकता जो है वो तुल्यांक चालकता और एन फैक्टर के क्या होती है, गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आएगी, मोलर चालकता है, इसकी यूनिट क्या होती है, सीमन सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और तुल्यांक की क्या होती है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो अब
अगर मोलर चालकता ज्ञात करनी हो अपने को, ठीक है, और सामने भी मोलर चालकता गिवन हो, और पहले क्या था कि भाई तुल्यांक चालकता ज्ञात करनी थी, ठीक है, और तुल्यांक चालकता ही दी गई थी, तो दोनों को जोड़ा आपने प्राप्त हो गई, ठीक है। अगर ज्ञात क्या करनी है, मोलर चालकता, और दी भी गई क्या गई है, मोलर चालकता, तो अपन जो जो भी धनायन या ऋणायन की मोलर चालकता है उनमें उनके ऋणायनों की संख्या और धनायनों की संख्या का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे कि ये है मोलर चालकता, इसकी धनायनों की संख्या गुणा धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की संख्या गुणा ऋणायनों की मोलर चालकता, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये जितना क्वेश्चन ऐसे लग रहा है ना फॉर्मूला कि यहाँ के पता नहीं क्या होगा, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है बेचारा, है बहुत इजी। जैसे ही अपन दो चार एग्जाम्पल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कुछ है ही नहीं। हर बार आप क्या करेंगे कि अपन निकालेंगे कौन सी मोलर चालकता निकालेंगे, ठीक है। अगर तुल्यांक चालकता गिवन है तो तुल्यांक चालकता निकालने में कोई जोर आता नहीं है, भाई दोनों को जोड़ दिया केवल और क्या प्राप्त हो गया, तुल्यांक चालकता। और बाकी अगर मोलर चालकता दे दे और वो पूछ लास्ट में तुल्यांक चालकता रहा है तो पहले मोलर चालकता ज्ञात करेंगे और फिर क्या कर देंगे, एन फैक्टर से, ठीक है, गुणा कर देंगे, भाई मोलर चालकता बराबर एन फैक्टर इंटू तुल्यांक चालकता, तो तुल्यांक चालकता बराबर क्या होगा, मोलर चालकता बटे एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर का भाग दे देंगे अपन। तो अपन उस प्रकार से निकालेंगे, भाई जो चीज़ दी गई है ना भाई, अगर इक्विवेलेंट दी हुई है तुल्यांक तो अपन तुल्यांक चालकता ज्ञात करेंगे, और मोलर चालकता दी हुई है तो मोलर चालकता। भाई अपन उल्टा क्रॉस वाला कभी नहीं करेंगे, वैसे फॉर्मूला अपन ने लिखा है कि भाई तुल्यांक चालकता जो अगर ज्ञात करनी हो तो भी मोलर चालकता का फॉर्मूला अपने पास है कि भाई डेटा मोलर चालकता का दिया गया है, ज्ञात क्या करनी है, तुल्यांक चालकता, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, जो धनायन की धनायन पर आवेश है उसमें धनायन उसका भाग दे देंगे धनायन की चालकता पर, और ऋणायनों की संख्या है उसका भाग दे देंगे ऋणायन की मोलर चालकता में, ठीक है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई कि हाँ कि कितना आवेश है, भाग देना था, गुणा करना था, ठीक है, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे अपन, या तो तुल्यांक दिया हुआ है तुल्यांक ज्ञात करेंगे, मोलर दी हुई है तो मोलर ज्ञात करेंगे, और इस फॉर्मूले की मदद से अपन क्या करेंगे, वापस इंटर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन प्लस और एन माइनस क्या है, धनायन पर और ऋणायन पर क्या है, आवेश, ठीक है। अब अगर NaCl की बात करें अपन, ठीक है, अपन क्या करें इसकी चालकता निकालना चाहे, तो NaCl है अपने पास, इसका एन फैक्टर क्या होता है, एक। अगर एन फैक्टर एक है तो तुल्यांक और मोलर चालकता दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो ये बराबर होगी किसके, अनंत अनंतता पर तुल्यांक चालकता, ठीक है, बराबर किसके होगी, इन दोनों की। भाई इसमें दो कौन कौन आयन है, Na प्लस और Cl माइनस, एक तो अपने पास क्या है Na प्लस और दूसरा Cl माइनस, ठीक है। तो इनकी तुल्यांक चालकता, अब तुल्यांक चालकता हो या मोलर चालकता हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धनायनों और ऋणायनों की संख्या भी क्या है, एक 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 ही है, ठीक है, प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब ये तो क्या है कि भाई इसका एन फैक्टर एक है, तब जाके ये है कि तुल्यांक चालकता हो या मोलर चालकता हो, दोनों का योग कर दिया अपन ने, अपने प्राप्त हो गया लास्ट NaCl के लिए तुल्यांक या मोलर चालकता, ठीक है। अब अगर MgCl2 का निकालना चाहें अपन, तो देखिए MgCl2 का कैसे टूटेगा, Mg प्लस टू प्लस टू Cl माइनस, ठीक है। एन फैक्टर क्या है इसका, दो है, ठीक है। तो अगर इसकी मोलर चालकता गिवन हो तो अपन मोलर चालकता वाले से ज्ञात करेंगे, मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, और अगर तुल्यांक चालकता हो तो अपन तुल्यांक चालकता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले मैं तुल्यांक चालकता ज्ञात करना चाहूँ किसके लिए, MgCl बराबर होगी Mg प्लस टू आयन की तुल्यांक चालकता प्लस Cl माइनस की तुल्यांक चालकता, किसकी, इक्विवेलेंट Mg प्लस टू प्लस तुल्यांक Cl माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुल्यांक है, और तुल्यांक में अपने आयनों की ऋणायनों की संख्या या ऋणायनों का आवेश धनायनों की संख्या आवेश किसी की बात नहीं होती, ठीक है, अगर तुल्यांक ही रख रहे हैं सामने तो, ठीक है। और अगर मोलर निकालना चाहूँ मैं तो MgCl2 क्या होगा,
धनायनों की संख्या, धनायन कितना है? एक। धनायन कितने हैं? एक। मोलर Mg प्लस टू प्लस टू, ऋणायन की मोलर चालक था। ठीक है, तो अपने क्या करना है, सीधे आयनों में तोड़ना है, आयनों में तोड़ना है, इसकी मोलर चालक था प्लस दो इंटू इसकी मोलर चालक था। ठीक है, तुल्यांक दे दे तो और क्या चाहिए, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। और अगर ये निकाल दिया अपन ने, इसके अगर वैल्यू दी गई है तो इसके बाद भी तो मोलर चालक था अपन निकाल सकते, ठीक है ना भाई, दो से गुणा किया सीधा आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, Al2SO4 का ऑल थ्राइस, ऑल थ्राइस कैसे टूटेगा, 2Al प्लस 3SO4 टू माइनस। ठीक है, तो अगर इसकी तुल्यांक निकालना चाहें पहले तो क्या होगी, Al2SO4 का ऑल थ्राइस क्या होगा भाई, Al प्लस 3 की तुल्यांक चालकता, Al प्लस 3 प्लस SO4 टू माइनस की तुल्यांक चालकता। ठीक है भाई, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, कब है इसका काम, तब है जब मोलर चालकता ज्ञात कर रहे हैं अपन। तुल्यांक में तो जितना जो भी आयन है उनकी सीधी मोलर तुल्यांक चालकता लिखो, उनको जोड़ो और अपना आ जाएगा तुल्यांक चालकता। और ये क्या दी गई है वो अपन किससे पता लगाएंगे, केवल और केवल यूनिट से। ठीक है, और अपने पास कोई तरीका नहीं है कौन सी तुल्यांक दी हुई है या कौन सी मोलर दी हुई है। ठीक है, क्योंकि यूनिट ही देख के अपने को पता चलेगा कि भाई क्या तुल्यांक दी है या मोलर दी हुई है, ऐसे ही पता नहीं चलाएगा, वो कहेगा भी नहीं मोलर चालकता है या तुल्यांक चालकता, वो केवल चालकता की बात करेगा भाई, इनकी चालकता ये दी हुई है। ठीक है, पीछे यूनिट से पता चलेगा कि चालकता दी है कि मोलर चालकता दी है, तुल्यांक चालकता, क्योंकि चालकता की यूनिट अलग होती है। ठीक है, और वो कहने को सारी तीनों के तीनों को क्या है, वो चालकता है। ठीक है, क्योंकि कप्पा भी क्या है, चालकता है कि नहीं है, और ये मोलर चालकता और ये तुल्यांक चालकता, तीनों की यूनिट अलग है और यूनिट से ही पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो अगर मोलर निकाले तो Al2SO4 का ऑल्थ्राइस बराबर कितने है, एल्यूमिनियम दो, तो 2 इंटू एल्यूमिनियम की प्लस 3 इंटू मोलर चालकता किसकी है, SO4 टू माइनस की। ठीक है, तो जो भी धनायनों की संख्या इंटू धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायनों की संख्या इंटू ऋणायनों की मोलर चालकता। ठीक है, नहीं नहीं देगा वो, कभी नहीं देगा। ठीक है, वो हमेशा या तो केवल मोलर चालकता देगा या केवल तुल्यांक चालकता देगा, एक एक की ऐसे एक की ऐसे नहीं दे सकता, क्योंकि एक आयन की अलग अलग कैसे देगा, एक आयन की अलग भाई एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन को अलग अलग कैसे दे सकता है वो, ये सोचो आप। ठीक है, क्योंकि विलियन में है पड़े हैं वो, एक ही विलियन में पड़े हैं, या तो तुल्यांक ज्ञात कर सकते हैं या मोलर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहा कि आधे इधर आ जाओ आधे इधर आ जाओ, वो अपने आप से सेपरेट ऐसे नहीं होंगे कि अपना आराम से उनकी तुल्यांक या मोलर चालकता अलग अलग निकाल पाए, या तो तुल्यांक निकलेगी या मोलर निकलेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लैम्डा इनफाइनाइट Ca+2 की मोलर चालकता दी हुई है, मतलब चालकता दी हुई है, कौन सी मोलर है कि तुल्यांक है पता नहीं, यूनिट देखेंगे 119 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या दी हुई, मोलर चालक। ठीक है, और दी हुई है Cl- की मोलर चालकता। ठीक है, ज्ञात किसकी करनी है, तुल्यांक और मोलर दोनों ज्ञात करनी है Cl2 की। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, CaCl2 किस में टूटता है, प्लस टू Cl माइनस। ठीक है, तो मोलर चालकता दी हुई तो ज्ञात भी अपन क्या करेंगे, मोलर चालकता पहले ज्ञात करेंगे अपन, CaCl2 बराबर धनायनों की संख्या क्या है, एक, तो 1 इंटू मोलर चालकता Ca+2 की प्लस 2 इंटू मोलर चालकता किसकी,
सी एल माइनस की, तो इसकी क्या दी हुई है सी एल प्लस टू की 119 प्लस 2 इंटू 76, ठीक है क्या आया 119 प्लस 76 इंटू 2 152, और 152 और 119 कितना होगा 271, ठीक है 271 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब मोलर चालकता बराबर होती है एन फैक्टर इंटू तुल्यांक चालकता, ठीक है तो यहाँ से तुल्यांक चालकता क्या होगी मोलर चालकता बट्टे एन फैक्टर, तो तुल्यांक चालकता बराबर मोलर चालकता 271 बट्टे एन फैक्टर क्या है 2, ठीक है एन फैक्टर 2 क्या आएगा 135.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है तो कुछ भी डेटा दे दे, मोलर दी है तो मोलर ज्ञात करनी है, तुल्यांक दी है तो तुल्यांक ज्ञात करनी है, बाद में देखेंगे अपन क्या पूछा है उसने, ठीक है अगर इन्हीं इन दोनों में से कुछ भी अगर पूछा है तो जो पहले डेटा दिए गए हैं उसी हिसाब से अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये वाला प्रोसेस करना अपने लिए ज़्यादा इजी है कंपेयर टू अगर वो अपन आयनों की संख्या का भाग दें या फिर क्या करें उसका भाग दें, ठीक है भाई धनायनों की धनायन पर आवेश का भाग दें या फिर ऋणायन की आवेश का भाग दें, ठीक है दो दो जगह भाग करना पड़ेगा, दो दो जगह भाग करें इससे अच्छा तो एक जगह ही भाग करें, ठीक है हाँ। और दिया गया, अब दिया गया देखो कि Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है ये दिया गया, अब इस पर अगर आयनों में तोड़ें अपन तो क्या है Ca+2 और Cl- का, Cl- का नहीं होगा Po4-3- का दिया गया है ये, ठीक है ये भी Po4-3- का दिया गया है Po4-3- ठीक है तो ये दी गई है अपने इन्फॉर्मेशन इतनी, क्या है कैसे आयनों में टूट रहा है ये 3 Ca+2 प्लस 2 Po4-3-, तो आयनों में तोड़ने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है क्योंकि जो है ये दिख रहा है नीचे उतने के उतने सी होंगे, ठीक है और यहाँ पे जो दिख रहा है वो उस पर आवेश हो जाएगा, ठीक है धातु पर प्लस धातु पर माइनस, ठीक है तो दिया क्या गया है कि Ca+2 की एक्स दी गई है और Po4-3- की वाई सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दी गई है, ठीक है तो अपने क्या निकालनी है मोलर चालकता निकालेंगे अपन, ठीक है तो क्या निकालेंगे मोलर चालकता किसकी है Ca3PO4 का होल ट्वाइस बराबर क्या होगा भाई मोलर चालकता निकाल रहे हैं तो धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या आएगी अपने साथ में, तो धनायनों की संख्या इंटू धनायन की मोलर चालकता क्या है प्लस ऋणायनों की संख्या इंटू ऋणायन पर ऋणायन की मोलर चालकता क्या आया 3x+2y। अगर मैं तुल्यांक निकालना चाहूँ यहाँ पे तो क्या होगा 3x+2y/n एन फैक्टर, क्या है एन फैक्टर 6, ये आ गई इसकी मोलर चालकता और ये क्या आ गई तुल्यांक चालकता। अब क्या दिया गया है कि आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है नीचे सेकंड बी में कि Ca+2 की दी हुई है x1 और Po4-3- की दी हुई है y1, यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ठीक है तो अब तुल्यांक चालकताएं दी गई है, अब तुल्यांक चालकताएं दी गई तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे तुल्यांक चालकता, ठीक है इक्विवेलेंट बराबर क्या होगी तुल्यांक चालकता इसकी प्लस तुल्यांक चालकता क्या होगा x1 प्लस y1, ठीक है अब देखो मोलर चालकता निकालनी है तो n फैक्टर से क्या करते हैं गुणा, n फैक्टर क्या है 6x1 प्लस 6y1,
ठीक है, 6x1 + 6y1। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई नहीं है। जो दिया गया है वो निकालेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है। ठीक है, अब मोलर चालकता दी है, मोलर चालकता निकालेंगे, तुल्यांक चालकता दिया तो तुल्यांक चालकता निकालेंगे। ठीक है, अपन इंटरकन्वर्ट वाली कोशिश कभी करेंगे ही नहीं। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला पड़ा है ऑलरेडी, अपन उससे भी निकाल सकते हैं। मोलर चालकता दी हुई है, तुल्यांक चालकता निकालनी है, सीधा निकाल दिया। ठीक है, लेकिन वो अपन कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा मोलर चालकता दी है, मोलर चालकता याद करो, तुल्यांक चालकता दी है, तुल्यांक चालकता याद करो। कॉलराउस करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं है। अब तक तो क्या है, ये प्रबल विद्युत अपघटित थे सारे, सीधे के सीधे आयनों में टूट रहे थे हैं भाई। ये भी टूटा आयनों में, अपने अपने आयनों में टूट रहा है, सीधा लवण दिए गए थे अब तक। ठीक है, या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के निकाल रहे थे, तो उनके लिए क्या है, पूरी तरह से आयनों में टूटा एक आयन, ये एक आयन, ये इन दोनों की मोलर चालकता दी, अपन ने जोड़ा और आ गई। ठीक है, अब अगर दुर्बल विद्युत अपघटन की बात करें तो वो किस प्रकार से निकालें। ठीक है, वो तो ये तो अगर प्रबल का तो ज्ञात करना था तो हमारे पास डीबाई एकल में क्या कमी थी, हैं, उससे भी तो निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब अपनी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे इसके कॉलराउस के नियम में। तो क्या है अपने पास कॉलराउस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कॉलराउस के नियम अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है कॉलराउस का कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर या तुल्यांक चालकता की गणना करना। ठीक है भाई, प्रबल की तो अभी अपन एग्जांपल प्रबल का ही तो लेके चल रहे थे, सारे लवण जो भी होते हैं वो प्रबल होते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों की। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य देखो क्या है कि अपने पास एक CH3COH है, क्या एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल है तो पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है, तो डिबाई हकल से तो अपन इसका कभी भी क्या कहते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल नहीं सकते थे। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे इससे, कॉलराउस के नियम से। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है अपने पास कि क्या दी गई हो, इसकी तुल्यांक चालकता दे दे या मोलर चालकता दे दे और इसकी दे दे। ठीक है भाई, एक ही तो, एक तरीका तो ये हो सकता है भाई, दोनों आयनों की अलग अलग दे दी मोलर चालकता, उन दोनों को जोड़ दिया और किसकी निकल गई, एसिटिक अम्ल की, CH3COH की। ठीक है, तो एक तो क्या है कि भाई इसकी दे दी मेरे को सीधी मोलर चालकता CH3COOH-COA- और एक H+ की दे दी। ठीक है, इसकी माना X दी, इसके माना Y दी। ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगी इसकी CH3COH की। अब ये इसका एन फैक्टर क्या होता है, एक, तो इसकी तुल्यांक और मोलर चालकता क्या होगी, बराबर। ठीक है, तो ये मोलर बराबर में होगी, तुल्यांक ठीक है किसके बराबर होगी, X+Y। ठीक है, एक तो ये है भाई दोनों की सीधी दे दे तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है कि इसमें जो भी आयन आ रहे भाई CH3CO- और H+, इन आयनों को किसी प्रबल विद्युत अपघट्य द्वारा अपन प्राप्त करें। ठीक है, अपने को 3-4 आयन दिए गए हैं, अब उनको जोड़ के घटा के अपन फाइनल में क्या ले आए, CH3CO- और H+ ले आए। ठीक है, तब भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका है, ये पहला तरीका है, और दूसरा तरीका है जो एक्चुअली एप्लीकेशन में काम आता है भाई, कहाँ की कॉलराउस के नियम से क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो दूसरे तरीके से आते हैं। पहले तरीके से तो क्या ही जोड़ा ना किसी को, ठीक है ना, इसकी आई दोनों को जोड़ा, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है कि आपको दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, भाई सीमांत मोलर चालकता किसकी दी गई है, एक तो CH3COONa, किसकी दी गई है CH3COONa, दूसरी दी गई है आपको HCl, तीसरी दी गई है आपको NaCl। ठीक है, इन तीन की आपको मोलर चालकता दी गई है। ठीक है, माना कितनी है, X, Y एंड Z। अब इसकी मोलर चालकता निकाल ली। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, अपने पास दो तरीके, एक तो तरीका है कि यहाँ की बोर्ड पे अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन आया तो लैंग्वेज थोड़ा क्या कहते हैं पूरा एकदम प्रॉपर वे में करते हैं अपन। ठीक है, और एक अपने नीट में क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। ठीक है, नीट में तो अपने आंसर से मतलब है। ठीक है, भले कैसे लेके आते हैं वो पीछे वाला नहीं देख रहा, भले एक बार को तुक्का भी लग गया तो आंसर आना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, सही आंसर अगर तुक्का है तो वो आपने आपने किया है, ठीक है, आप पढ़ लेते, आप वहाँ पे किसी के भी सामने चौड़ चौड़ दिखा सकते हो कि देख मेरा सही हुआ तेरा गलत हुआ, मैंने पढ़ा था, तू कहती नहीं है मैं पढ़ती नहीं हूँ, हैं कि आप कहते हो मैं पढ़ती नहीं हूँ ना, मैं तो पढ़ी थी तभी सही हुआ मेरा, वरना होता कैसे, हैं वो मन में तो पता है कि अपने क्या लगाए, तुक्का लगाए, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रहे थे और सही सही बैठ गया, ठीक है। तो क्या है भाई, CH3CONa HCl और NaCl का दिया हुआ है XY और Z, ठीक है। अब निकालना है CH3COOH का एसिटिक अम्ल का निकालना है, ठीक है। तो एक तो तरीका कहता है कि भाई जो आयन चाहिए उनको जोड़ दो, जो नहीं चाहिए उनको घटा दो, अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो CH3COONa ये चाहिए, इसका आधा तो चाहिए, HCl हाइड्रोजन चाहिए अपने को, NaCl अपने काम का ही नहीं है, इसको घटाओ, इन दोनों को जोड़ो और अपना क्या आ जाएगा, इसकी तुल्यांक चालकता अगर निकाल दें तो क्या होगा अपने लिए, CH3COOH, ठीक है, बराबर मोलर चालकता किसकी, CH3COONa प्लस मोलर चालकता HCl माइनस मोलर चालकता NaCl, ठीक है। अब ये तो मोलर चालकता है, अपने को तुल्यांक चालकता चाहिए, ठीक है। तो इनको क्या करें, अपने अपने आयनों में तोड़ दे, ठीक है, क्या करें अपने अपने आयनों में तोड़ दे, ठीक है। तो क्या होगा अपने पास, मोलर चालकता किसकी, CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस मोलर चालकता किसकी, Na प्लस की, ठीक है भाई, CH3COONa किस में टूटेगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, अभी HCl है अपने पास, जोड़ रहे हैं अपन, मोलर चालकता किसकी, H प्लस की, प्लस मोलर चालकता Cl माइनस, अब घटा दें किसकी, NaCl की, तो मोलर चालकता किसकी, Na प्लस की, और मोलर चालकता किसकी, Cl माइनस की। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो Na प्लस प्लस का है पॉजिटिव है, ये कौन सा है, तो ये क्या कर गया आपस में, कट गया, ठीक है। Cl माइनस पॉजिटिव, Cl माइनस क्या है अपने पास, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये कट गया, इससे बचा क्या, CH3CO माइनस और H प्लस, तो यही तो चाहिए था फाइनल अपने, ठीक है। तो क्या है कि भाई जिसको भी है, जो भी आयंस दिए गए, ठीक है, आपको जो ये जो मैंने CH3COONa है, ठीक है, HCl है, NaCl है, ठीक है, ये या तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि भाई या तो दे दे वो भाई CH3COH का निकालना है आपको, ये दिया गया इसका इसका, ठीक है, या फिर वो तीन नंबर का क्वेश्चन सीधा बोर्ड में अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि भाई कि CH3COH का जो दुर्बल विद्युत अवकट है इसको, इसकी मोलर चालकता निकालने के लिए एक प्रयुक्त विधि लिखो, ठीक है, कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हुए, तब फिर आपको ये तीनों भी आयन जो भी लिए ना मैंने वो आपको लेने पड़ेंगे, वरना तो क्या करेगा हर बार देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि भाई कि कैसे डिसाइड करेंगे किसको जोड़ें और किसको घटाएं, ठीक है। अब ये तो सिंपल था अपने लिए, सीधा दिख रहा था कहाँ कि इसको जोड़ना है इसको घटाना है, ठीक है, कितने गुना ले, फिर दो गुना वाला ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, किसी का आयन फैक्टर ज़्यादा होगा भाई, उसमें आयनों की संख्या भी क्या हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है, तो किसको जोड़ें किसको घटाएं किसमें कितना गुना करें, ठीक है, वो भी तो डाउट आएगा अपने। तो अपन जो अगला मेथड करेंगे वो उसी के लिए है कि किसको जोड़ना है और किसको घटाना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, CH3COH का क्या लिया था अपने, ठीक है, तो भाई अगर सीधा देखा जाए तो किसको जोड़ना था अपने को, पीछे देखो, इसको इन दोनों को जोड़ा, इसको एक को घटाया, क्या हो गया, X प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब देखो एक और तरीका अपने पास है,
ठीक है। दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि देखिए क्या चीज़ें हैं, CH3COH है उसका निकालना है, ठीक है, और ये तीनें दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने कौन सी क्या लेना है, CH3 जिसका ज्ञात करना है वो ले लिया, ठीक है, प्लस साथ में ऐसा लेना है जो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वैसे देखो क्या है, CH3CONA है तो इसमें CH3CO है, ठीक है, इसमें HCl है मतलब H है जो नहीं लेना है, बचा कौन सा NA Cl, तो दो यौगिक ऐसे लेने हैं जिसके एक भी आयन क्या नहीं हो, सेम नहीं होना चाहिए, एक भी आयन सेम नहीं होना चाहिए, और जिसको ज्ञात करना है उसको इधर रखना है क्योंकि ट्रांसफर में फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये लिया, अब जो भी बच्चे बाकी दोनों दूसरी साइड ले लेते, ठीक है, क्या क्या बचा अपने पास, CH3COO प्लस HCl, तो जिसका ज्ञात करना है उसको छोड़ के बाकी सारे उधर भेज दो, ठीक है, इसका ज्ञात करना है इसको इधर भेज दिया, ठीक है, तो NaCl कहाँ चला जाएगा, माइनस में, इसका X प्लस Y माइनस Z, तो आंसर आ गया, क्या आया, CH3COO X क्या आया, X प्लस Y माइनस Z, ठीक है, X प्लस Y माइनस Z। तो कोई भी प्रकार का उदाहरण, जैसे कि ये एक एग्जांपल दिया गया है, क्या है, NH4 का होल ट्वाइस, SO4, Na2, SO4 और NaOH, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, जिसका निकालना है उसको इस साइड, किसका निकालना है, NH4OH, NH4 प्लस ऐसा आयन लो जिसमें एक भी कॉमन ना हो, तीन है अपने पास, इसमें NH4 है, इसमें NH4 है, इसमें Na2 है और SO4 है, इसमें से है ही नहीं, इसमें NaOH है, OH इसमें पड़ा है, तो कौन सा ले ले, Na2 SO4 सामने NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, समीकरण बैलेंस है क्या, नहीं, तो क्या करते हैं इसको पहले बैलेंस करें, NH4 कितना है, इधर दो है, इधर एक है, तो दो से गुणा, इधर Na दो, इधर Na दो से गुणा OH, इधर भी दो हो गए, इधर भी SO4 एक है, SO4 दो एक है, ठीक है, इक्वेशन अब होगी क्या बैलेंस, इसको निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है, तो इसको क्या कर दें, उधर भेज दें, ठीक है। देखो क्या हुआ, NH4SO2 SO4 का ये X क्या आया, X प्लस NaOH 2Z माइनस ये उधर भेजना है Y बट्टे में दो, इसका एक का ही तो निकालना है, डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए जिसका निकालना है उसको इस साइड रखो, उसके साथ ऐसा लो जिसमें एक भी आयन कॉमन ना हो, ठीक है, दूसरी साइड दोनों कंपाउंड अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करना है, दूसरों को इधर उधर ट्रांसफ़र कर दो, अभिक्रिया को बैलेंस करो, ठीक है, अभिक्रिया को बैलेंस करने के बाद ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, अपने लेस देन मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, कभी भी आप अगर प्रैक्टिस करने बैठोगे तो ये एक मिनट लेगा भी नहीं कभी, ठीक है ना, क्योंकि ये अभिक्रिया लिखनी है बस, ये अभिक्रिया लिखने के बाद तो आपको सीधा आंसर दिखेगा, ठीक है ना, भाई यहाँ की एक्स प्लस 2Z माइनस वाई बटे दो, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा एप्लीकेशन है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, अब क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है कि वो 100% आयनित हो जाते हैं, तो उसके विभाजन की कोटि, जो वियोजन की कोटि जो होती है वो कितना क्या होती है, एक अल्फा का मान एक होता है, ठीक है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है, अल्फा का मान एक से कम होता है, ठीक है भाई, 100% तो वियोजन होगा नहीं, ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब वियोजन की कोटि क्या होगी, 100 से कम होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, मतलब करीबन 20%, 10%, 30% जो कितना भी डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो उसकी अगर मात्रा कैसे निकालें, ठीक है भाई, कोदराउस के नियम से कैसे निकालें, और अल्फा, ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की कोटि, या वियोजन स्थिरांक की गणना
करना, ठीक है। तो जो वियोजन की कोटि जो होती है अल्फा, वो बराबर होती है किसी भी चालकता, किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। तो ये तो देखो किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, कप्पा इंटू हजार बट्टे मोलरता, ये फॉर्मूला इसका, इसके लिए तो यही फॉर्मूला है ना, किसी भी सांद्रता पर देख रहे हैं तो, ठीक है ना भाई, कप्पा इंटू हजार बट्टे मोलरता। और ये किससे निकल सकता है, कोलराउस के नियम से, तो या तो ये गिवन होगा या दोनों में से एक तो देगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्फा भी पूछ रहा है और ये भी निकलवा रहा है, ये भी निकलवा रहा है, ठीक है। हो सकता है ये दोनों दे दे फिर अल्फा निकालने को बोले, या हो सकता है ये दे दे, ये निकलवा ले और फिर ये निकलवा ले, ठीक है। तो ये तो किससे निकालना है अपने को, कप्पा इंटू हजार डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ठीक है। और ये कोलराउस से, कोलराउस के नियम से, ठीक है। तो अल्फा क्या है, किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता डिवाइडेड बाय अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। अब ये तो क्या है, वियोजन की कोटि अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे कहेंगे, ठीक है। इसको अपन और एक्सप्लोर करेंगे अधिक, थोड़ा सा और भी अच्छे ढंग से, वो होगा अपन साम्यावस्था में पढ़ेंगे अपन इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, ठीक है। वहाँ पे अपन सभी अम्लों के लिए, सभी क्षारों के लिए किस प्रकार से निकलता है, कैसे निकलता है, और ये जो वियोजन स्थिरांक भी है इसके बारे में भी वहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माना अपना एक एसिड है HA, क्या है HA, किस में टूटेगा, H प्लस और A माइनस में, माना इसकी सांद्रता क्या है पहले C, टी टाइम जीरो, जीरो पे क्या है C सांद्रता, तो यहाँ पे कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। माना ये जो है अगर दुर्बल अम्ल है तो ये कुछ अल्फा गुना कम होगी इसकी सांद्रता, ठीक है। तो कितनी कम हुई, सी अल्फा, ठीक है, क्योंकि अल्फा दिया गया है कि भाई इतने परसेंटेज टूटा, ठीक है। तो भाई इतने परसेंटेज मतलब इतने परसेंटेज कम होगी सांद्रता टी समय पर, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा सी अल्फा, ठीक है। तो इसका अगर स्थिरांक निकाले अपन, साम्य स्थिरांक के, ठीक है, तो के अगर निकालें, ये किसका है, क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, के ए, के एसिड, ठीक है। और अगर ये क्षार होता तो ये क्या हो जाता, के बी, के बेस, ठीक है। क्या होगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, सी अल्फा गुणा बटे सी माइनस सी अल्फा, ऊपर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बटे सी, नीचे कॉमन आ सकता है, वन माइनस एक सी से एक सी कैंसल, तो क्या आएगा डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा निकल सकता है यहाँ से, ठीक है, ये उससे निकल सकता है कप्पा इंटू हजार बट मोलर था, ये कोलराउस से निकल सकता है, अगर इसका क्वेश्चन बढ़ाना चाहे अपन, ठीक है ना भाई, कहाँ कि सारे प्रैक्टिस हो जाए एक साथ, वहाँ से लेके मोलर चालकता से लेके सारा, मैं सारे डेटा ऐसे दे दूँ, रॉ डाटा दे दूँ एकदम पूरे, प्रतिरोध दे दूँ आपको, लंबाई दे दूँ, ए दे दूँ, ठीक है, या फिर अगर बहुत ही छोटी सी दे दूँ, क्या कहते हैं, केवल प्रतिरोध दे दूँ, उससे आपको चालकता भी निकलवा ले, एल और ए दे दूँ मैं, ठीक है, उसके बाद सब कुछ निकलवा रहे हैं, तो अपना पूरा का पूरा पिछली दो क्लास का रिविज़न हो जाए एक साथ ही, ठीक है ना भाई, एक ही क्वेश्चन में, है कि नहीं भाई, हाँ कि आर निकाल सकते हैं अपन, ठीक है, आर अगर दिया है, एल दिया है, ए दिया गया है, ठीक है, तो कप्पा निकल सकता है, ठीक है। और अगर कप्पा निकल सकता है तो ये निकल सकता है कप्पा इंटू हजार बटे मोलरता से, ठीक है। अगर मोलरता का भी मैं आपको रो डेटा दे दूं तो क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू हजार बटे मोलर, मोलर भार इंटू आयतन, ठीक है। और ये कोलराउस का नियम जस्ट अभी अपन ने देखा भाई, किस प्रकार से अपन इसका भी निकाल सकते हैं मान, ठीक है। अगर ये दोनों आ गए फिर अल्फा निकल जाएगा अपना, ठीक है, और अल्फा निकल जाएगा तो ये तो चालकता सांद्रता दी गई है यहाँ पे, और अपन निकाली, अगर निकाली भी निकालेंगे भी थी मोलरता होगी, ठीक है, सांद्रता ऐसी, और अल्फा स्क्वायर बटा वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्या है कि भाई इंस्पायर क्वेश्चन अपन ने क्यों नहीं किया, क्योंकि आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ जो अपन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उन्हीं को एक जगह इकट्ठी करनी है और कुछ नहीं है, ठीक है ना भाई। सांद्रता पर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, अपन दोनों पे क्वेश्चन किए हैं थोड़े थोड़े टाइप के, ठीक है। तो अब है तीसरा
जो अनुप्रयोग है वो है किसी भी अल्प विलय लवण। अल्प विलय मतलब जो पानी में क्या है कम घुला हुआ है, भाई पूरी तरह से घुला हुआ नहीं है, जिसकी घुलनशीलता कम होती है। जैसे कि भाई एक कोई नेचर होता है किसी का, जैसे नमक है जल्दी घुलता है, ठीक है, कोई और साथ में जो अगर पानी में डाले तो वो धीरे धीरे घुलता है, ठीक है। तो जो कम घुलनशील होता है उसे बोलते हैं अल्प विलय, ठीक है। तो अल्प विलय क्या है कि लवण की विलयता, विलयता बोले तो सॉल्युबिलिटी, कोई कितना घुला, ठीक है, भाई किसी भी लवण की घुलने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं अपन विलयता, ठीक है, भाई कितनी विलयता है, वो कितना घुल सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, भाई यहाँ मैं इतना परसेंटेज घुल सकता हूँ, इतना घुल सकता हूँ, इतनी देर में इतना घुल सकता हूँ, वो उसकी कहलाती है विलयता, ठीक है। तथा विलयता गुणांक की गणना करना, ठीक है, विलयता तथा विलयता गुणांक। अब क्या है कि मोलर चालक, मोलरता अगर गिवन हो तो अपन मोलर चालकता निकाल सकते हैं कि लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू हजार बटे मोलरता, ठीक है। तो अल्प विलय मतलब कम घुलनशील, ठीक है, अगर कम घुलनशील है तो अपने को विलयता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तनुता बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब अगर अपन लैम्डा एम को लैम्डा एम अनंत तक ले जाए, अनंत तनुता पर, ठीक है, तो उसी विलयन की ये जो मोलरता जो होगी वो बराबर होगी विलयता की, ठीक है। जब क्या कहते हैं किसी भी सांद्रता पे मोलर जो चालकता है उसको अनंत डाइल्यूट किया जाए तब अपनी मोलरता ही क्या होगी, विलयता, ठीक है। तो यहाँ से विलयता क्या आ जाएगी, ये इसकी जगह मोलर विलयता है, ठीक है, ये इधर तो कप्पा इंटू हजार बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनंतता ये आ गया तभी जाके अपना मोलरता किससे रिप्लेस हुआ है, विलयता से, ठीक है। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी क्या आई, यही अपने पास, ठीक है, ये आ गई अपने विलयता। अब अगर विलयता गुणांक की बात करें तो विलयता गुणांक को एक प्रॉपर मेथड है विलयता गुणांक निकालने का। अपन क्या है कि जैसे भी मेथड रखोगे ना, आप मेथड से कभी भी ज्ञात नहीं करोगे उसको, ठीक है ना, क्योंकि अब तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मेथड से ही ज्ञात कर रहा है, उसका सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको अगर याद रखा जाए तो मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, और वो फॉर्मूला इतना इतना ऐसा है कि उसको भूल भी नहीं सकते वापस कि हाँ कि क्या पता कि मेथड की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो आपको मेथड तक मैं अभी नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि अपन आईने के इक्विलिब्रियम में वैसे ही पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ये जो अल्फा है, के ए है, के बी है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह वगैरह, ये जो है वो अपन वापस आईने के इक्विलिब्रियम में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अपने जितना काम का है, ठीक है, अपन वहीं तक ले जाते हैं कि जो विलयता जो गुणांक है विलयता गुणांक के एस पी, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, के एस पी। तो ये जो भाई जो कोई भी अपने पास माना एक लवण है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, तो ये किस में टूटेगा, एक्स ए प्लस वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस, ठीक है, वाई बी माइनस एक्स, ठीक है, इसी प्रकार से टूटेगा कोई भी लवण, ठीक है, भाई एक्स ए प्लस वाई वाई बी माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार से टूटेगा तो अपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसका फॉर्मूला होगा एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर एस की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये अपना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। एस क्या है, विलयता है, ठीक है, एस क्या है, विलयता। तो अगर किसी भी लवण के लिए मैं देखना चाहूँ ये, ठीक है, तो माना उदाहरण के लिए अपन ने पहले क्या ले लिया,
NaCl, ठीक है, यहाँ KCl, ठीक है, यहाँ AgCl, तो मैंने सॉल्ट टाइप क्या ले लिया, AB टाइप, कैसे लिया, AB टाइप का, भाई यहाँ पे लवण क्या कहते हैं, पॉजिटिव भी एक, नेगेटिव भी एक, तो इसका जो KSP होगा वो बराबर होगा, भाई NaCl कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो एक Na है एक Cl है, ठीक है, तो देखिए क्या है, NaCl है Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे X भी एक और Y भी एक है, X और Y दोनों का मान क्या है, एक एक है, तो X की पावर X मतलब 1 की पावर 1 की पावर इंटू 1 की पावर इंटू एस की पावर 1 प्लस क्या आया, एस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, साल्ट प्रकार ले लूँ, ए बी टू टाइप, ठीक है, या ए टू बी टाइप, ठीक है, ए बी टू या ए टू बी, इसके एग्जांपल्स होंगे अपने पास, जैसे कि एम जी सी एल टू, एम जी सी एल टू, ठीक है, सी ए सी एल टू, ठीक है ना, कोई भी प्रकार के अपने इस प्रकार के होंगे, ठीक है, ए बी टू या ए टू बी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे टूटेंगे, एम जी प्लस टू और टू सी एल माइनस, तो इसका के एस पी क्या होगा, अपने 1 की पावर इंटू टू की पावर टू, 1 की पावर 1 इंटू टू की पावर टू इंटू एस की पावर 1 प्लस टू, तो क्या आया, 4s क्यूब, ठीक है। तीसरा है अपने, अगर मैं सॉल्ट टाइप ले लूँ, ए बी थ्री टाइप, ए बी थ्री टाइप, जैसे ए एल सी एल थ्री हो गया, ठीक है, सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री अलग हो गया, वो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है वो, ठीक है ना, सी ओ थ्री ये ऑल थ्राइज हो तो होता ना, तो अलग बात हो जाती, ठीक है। तो ई एल सी एल थ्री है अपने पास, तो इसका के एस पी क्या हो जाएगा, ई एल सी एल थ्री का अगर निकालना चाहे तो, के एस पी बराबर 1 की पावर 1, एल्यूमिनियम एक है, सी एल थ्री 3 सी एल है, इंटू 3 की पावर इंटू एस की पावर 1 प्लस 3 बराबर 27, 3 की पावर 3 27, एस की पावर 4, ठीक है। अगला देखो, अपन और ले सकते हैं, एक प्रकार के लवण होते हैं ए एल टू एस ओ फोर का ऑल्थ्राइस, ए टू बी थ्री टाइप के, ठीक है, जिनका एन फैक्टर क्या होता है 6, ठीक है, तो इनका के एस पी क्या होगा, आपने ये अगर आयन देखो उनमें कैसे टूट रहे, उदाहरण के लिए ए एल टू एस ओ फोर का ऑल्थ्राइस, ठीक है, कैसे टूटेगा, टू ए एल प्लस थ्री एस ओ फोर 2 माइनस, ठीक है, तो इसका के एस पी क्या होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर इंटू 3 की पावर इंटू एस की पावर 2 प्लस 3, तो क्या आया 4 इंटू 27 इंटू एस की पावर 5, 4 इंटू 27 होता है 108 एस की पावर 5, ठीक है, एस की पावर 5, ये इसके लिए के एस पी, ठीक है। तो किसी भी अगर आयनों में तोड़ना आता है अपने को, तो x की पावर x प्लस y की पावर x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू s की पावर x प्लस y, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में ज़रूरी है कि कैसे आया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आया वो मैटर करता है अपने को, ठीक है ना, क्योंकि इससे कभी किसी का भी पूछेगा तो वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सीधे पूछेगा, ठीक है, और इसका डेरिवेशन करीबन एक पेज जितना लंबा है, तो न तो अपने कभी डेरिवेशन देखा जाएगा अपने से, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा एक दो बार मिलाने के बाद, कि खैर छोड़ो रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है,
आंसर ही तो निकालना है, उससे निकल रहा है बेचारा x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, ठीक है। तो फिर क्यों झंझट मारी की जाए, ठीक है, क्यों मेहनत करें एक्स्ट्रा की वो डेरिवेशन करें इतना बड़ा सा, ठीक है। तो किसी भी जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट प्रकार जो है उनको आयनों में तोड़ के फिर इसका मेथड है, एक प्रॉपर मेथड, ठीक है, जो सॉलिबिलिटी साथ में लेके चलते हैं अपन, उसके बाद ही आंसर आता है एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई वाला, ठीक है ना। भाई किसी भी अगर इसके लिए मैं उसका डेरिवेशन पूरा करूँगा ना, तो वो पूरा इतना दो पेज इतना लंबा, एक पेज इतना लंबा होके फिर अपना फाइनल आंसर आएगा ये 108 एस की पावर 5, ठीक है। अब इसको अपन एक लाइन में लेके आ सकते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये ए एल टू एस ओ पावर का ऑथराइज है, किस में टूटेगा, 2 ए एल प्लस 3 प्लस 3 एस ओ पावर 2 माइनस, ठीक है। तो x की पावर x, x ये है, इसकी पावर ये, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा एस की पावर 2 प्लस 3 एस प्लस वाई, तो 2 की पावर 2 क्या 4, 3 की पावर 3 27, इन दोनों का गुणा 108, एस की पावर 2 प्लस 3 क्या हुआ 5, ठीक है। तो ये अपना के एस पी है, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि दिया गया है कि ए जी सी एल दिया है, इसका कप्पा दिया गया है, ठीक है, इसकी चालकता दी गई है, क्या है, 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कप्पा की यूनिट यही होती है ना, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और साथ में दिया गया है ए जी प्लस की मोलर चालकता और सी एल माइनस की मोलर चालकता, क्योंकि यूनिट में मोल दिया गया है, तो मैं इसलिए पहले कह रहा हूँ कि मोलर चालकता दी हुई है, ठीक है। 54.5 और 65.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब मोलर चालकता दी गई है, ठीक है। निकालनी क्या है, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, भाई विलयता और विलयता गुणांक निकालना, एस और के एस भी। तो कैसे निकालेंगे, अपने को ये क्यों दिया गया है फिर, तो ठीक है, क्योंकि सॉलिबिलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, कप्पा इंटू हजार बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। एम तो सॉलिबिलिटी से रिप्लेस हो गया, तभी तो ये आया, या वो फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही याद कर दिया तूने, ठीक है ना, है इतना भी याद नहीं करना था कि भूल ही जाए कि सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कप्पा इंटू हजार बटे एम, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को, ये दिया गया नहीं है, सीधा निकालना है, तो कॉलर उसके लिए दिया गया, ठीक है। तो लैम्डा एम अनंत क्या होगा ए जी सी एल के लिए, क्यों इस, चूंकि इसका एन फैक्टर क्या है, एक, तो धनायनों की संख्या और ऋणायनों की संख्या एक एक ही होगी, ठीक है। तो इन दोनों का योग ही सीधा क्या आ जाएगा, 54.5 प्लस 64.65.5 क्या आएगा, 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो एस बराबर कप्पा क्या दिया गया है, 1.8 माइनस 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। तो इसका अगर भाग दें तो क्या आएगा, 10 से 10 गया, ठीक है, ये 20 इससे गए, क्या आया, 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो इंटू 10 10 की पावर माइनस 4 को तो पहले ऐसे ही लिख देते हैं अपन, ठीक है, ऊपर 1.8 नीचे है 12, ठीक है। तो एक यहाँ ले आए एक और 0, तो 18 ऊपर नीचे 12, 10 की पावर क्या करते, माइनस 5, अब क्या 18/12, ठीक है, 18/12 क्या होता है, 9, 6, 2, 3, ये 2, ठीक है, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, ठीक है। ये क्या आ गई अपने, सॉलिबिलिटी आई, विलयता आई, ठीक है। अब क्या निकालना है, के एस पी निकालना है, ठीक है। तो के एस पी क्या होगा, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सारे एक है,
एस स्क्वायर एजीसीएल के लिए क्या होगा एस स्क्वायर, एस क्या दिया गया है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा अपना 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है। 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है। 1.5 इंटू 1.5 2.25, तो ये अपनी आ गई के एस पी और एस। यहाँ से अपन ने ये भी लगा दिया, कोलराउस का नियम भी लगा दिया, ठीक है। और ये भी आ गई सॉलिबिलिटी, और फिर क्या आ गया अपने सॉलिबिलिटी के एस पी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, एजीसीएल का कप्पा दिया गया है 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 6, ठीक है। और साथ में आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं, AgNO3 दिया गया है उसकी मोलर चालकता, HCl की मोलर चालकता और HNO3 की मोलर चालकता, और निकालना है ऐसा KSP। तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को, मोलर चालकता निकालनी पड़ेगी किसकी, AgCl की, ठीक है। तो किसको जोड़ें किसको घटाएं, ठीक है। AgNO3 जोड़ दे, Ag है, HCl को जोड़ दे और NO3 को घटा दे, तो ये क्या है 135 प्लस 400 माइनस 400 21, तो क्या आया 140, ठीक है। तो कोलराउस बेचारा बहुत सी इजी है, ठीक है ना। ऐसे ही बेचारे को ऐसा लगता है कि हाँ पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन कोलराउस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी भी टफ होता ही नहीं है, क्योंकि सीधा अपन जोड़ सकते हैं आराम, इसको दो को जोड़ा एक को घटाया और आंसर आ गया, ठीक है। टफ तो कब पड़ता है, जब क्या है कि भाई यहाँ पे इसका क्या कहते हैं किसी का हॉल ट्वाइस आ जाए, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, दो से गुणा करें दो से भाग करें, वो अलग बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से सॉलिबिलिटी क्या आ जाएगी, कप्पा इंटू 1000 बटे अनंत अनुतम पर मोलर चालकता 1.4 इंटू 10 पावर माइनस इंटू बटे 140, ठीक है। तो यहाँ पे 1.4 इंटू 10 पावर 2, ठीक है। 1.4 से 1.4 गया, 10 पावर जो माइनस 2 था वो ऊपर, ठीक है। तो देखो एस क्या आया, 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर प्लस का 3 है, ठीक है। तो 1.4 इंटू 10 पावर प्लस 2, ऊपर आ माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.4, इससे ये गया, ठीक है। तो क्या बचा अपनी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, क्या आया 10 पावर माइनस 5, ठीक है। तो के एस पी क्या आई, एस स्क्वायर 10 पावर माइनस बराबर 10 पावर माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सॉलिबिलिटी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, बस क्या कर रहे हैं अनंत अनुता पे निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो कोलराउस नियम लगा के अपन क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, मोलर चालकता निकाल सकते हैं अनंत अनुता पर, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के जो है वो सारे आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा आपस में क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ से जब से चालकता शुरू हुआ है, एक एक चीज़ थोड़ी क्या है कंटिन्यू है भाई, कनेक्टेड है थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई, कहीं ना कहीं मोलर चालक कप्पा अभी तक बैठा है, कप्पा तो आ गया था अपने प्रतिरोध के बाद ही आ गया था, ठीक है ना। ये तो क्या है, विशेष चालक तो है चालकता, ठीक है। तो ठीक है, तो अपने अभी के लिए इतना ही, ठीक है।